हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने की दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स थोड़ी सी टिल्टेड नज़र आ रही हैं, और यहाँ पर अगर लेंथ की बात की जाए तो इनकी जो पोलो फिंगर है उसकी लेंथ ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे तर्जनी से। तो ज़्यादा क्वालिटीज़ इनके अंदर पोलियन रहेंगी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ज़्यादा रहेंगी। थोड़ी सी जो इंडेक्स फिंगर है तर्जनी है, थोड़ी सी शॉर्ट दिखाई दे रही है मुझे, जिसकी वजह से थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटीज़ में कमी रहेगी। अदरवाइज़ फिंगर्स नॉर्मल साइज़ में हैं, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है फिंगर्स यहाँ पर, तो एनर्जी स्टेमिना ठीक रहेगा इनके अंदर। और जो मर्करी फिंगर है इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, तो लगभग यह मर्करी फिंगर फर्स्ट फैलेंज को क्रॉस करती हुई ऊपर तक पहुँच रही है। तो काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स इनके रहने चाहिए, और साथ ही साथ काफ़ी अच्छी कैलकुलेशंस इनकी होनी चाहिए, और बिजनेस में भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि मर्करी जो है हमें बिजनेस एक्यूमेन प्रोवाइड करता है। असली विजडम जो होती है वो मर्करी के कारण ही व्यक्ति को मिलती है। तो यहाँ पर मर्करी की फिंगर का लंबा होना इनके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए आगे चेक करते हैं माउंट्स को। तो माउंट्स मुझे यहाँ पर थोड़े से फ्लैट दिखाई दे रहे हैं, और अगर फिंगर्स की सेटिंग देखी जाए तो कुछ इस तरह से सेटिंग जो है इनकी बनकर सामने आएगी। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की सेटिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है फिंगर सेटिंग में। यहाँ पर मर्करी थोड़ा सा लो सेट है, अदरवाइज बाकी के तीनों माउंट्स काफ़ी अच्छे और हाई सेट दिखाई दे रहे हैं। मर्करी लो सेट होने की वजह से और तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ी सी शाइनेस रह सकती है। वैसे भी हमने चेक किया था कि मर्करी की फिंगर अच्छी है, तो कुछ ज़्यादा प्रभाव इसके लो सेट होने से नहीं इनके ऊपर पड़ने वाला। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या हमें माउंट्स में नज़र आता है। वन बाई वन सारे माउंट्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मर्करी माउंट है, अपेक्स जो है उसका लगभग यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे, सेंटर पॉइंट के आसपास ही अपेक्स नज़र आ रहा है, जिसको हम ट्राइरिडल कहते हैं। कुछ इस तरह से तीनों तरफ से लाइंस चलने से जो ट्राइरिडल बनता है, कुछ इस तरह से अपेक्स जो यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो इस माउंट को और भी प्रोमिनेंट कर रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर मर्करी माउंट पे जो मुझे मैरिज की लाइन दिखाई दे रही है वह लगभग 25 के आसपास की एज में दिखाई दे रही है, और काफ़ी अच्छी मैरिज रहेगी, क्योंकि काफ़ी डीप लाइन है मैरिज की, और कोई भी फ्ला यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लूप ऑफ ह्यूमर है उसकी फॉर्मेशन यहाँ पर काफ़ी क्लियर नज़र आ रही है। आपको थोड़ा सा और क्लोजअप लेकर दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल घुमावदार जो लाइनें हैं यह लूप्स क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पर लूप ऑफ ह्यूमर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसी लाइंस से बनने वाला, जो बारीक लाइंस होती हैं फिंगरप्रिंट की, उनसे ऐसे घुमावदार लाइन से बनने वाला लूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कुछ हद तक यह ह्यूमरस पर्सनैलिटी रहेगी, मजाकिया एक किस्म की नेचर इनकी रह सकती है इसकी वजह से। आगे चेक करते हैं और क्या क्या इनके माउंट्स हमें बताते हैं। तो थोड़ा सा साइज़ डिक्रीज करूँगा। तो यहाँ पर कुछ हद तक पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन दूसरी साइड से कोई भी लाइन यहाँ पर नहीं बन रही, तो यह इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। इस तरह का पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकता। अगर दोनों साइड से ऐसी लाइंस आ रही होती तो कुछ हद तक नेगेटिव प्रभाव उसके हो सकते थे, तो यहाँ पर गर्डल ऑफ वीनस का कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सूर्य का माउंट है फ्लैट नज़र आ रहा है, सूर्य की रेखा यहाँ पर कम्प्लीटली कोई सूर्य रेखा नहीं नज़र आ रही, तो कुछ गवर्नमेंट जॉब के चांसेस कम हो जाते हैं इसकी वजह से। अदरवाइज़ बिजनेस की लाइन इनके हाथ में काफ़ी अच्छी है, तो ये मेरे हिसाब से बिजनेस में अगर जाएं तो बहुत अच्छा ये परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके आगे यहाँ पर सैटर्न का माउंट मैं देख रहा हूँ, सैटर्न का माउंट भी सूर्य के माउंट की तरह फ्लैट है, और सैटर्न की जो रेखा है वह लगभग इस एज तक आती हुई दिखाई दे रही है, और आगे थोड़ी सी वीक हो रही है, तो स्ट्रगल रहने के चांसेस हैं लाइफ में। लगभग 36 की एज के बाद कुछ स्ट्रगल रह सकती है। 36 की एज तक बहुत स्ट्रांग लाइन चल रही है फेट की, तो उसके बाद कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
आगे चेक करते हैं यहाँ पर इनके बृहस्पति माउंट को, जो लगभग यहाँ पर मुझे फ्लैट ही नज़र आ रहा है, बहुत उभरा हुआ माउंट नहीं है, लेकिन एक रेखा ऊपर की तरफ जरूर चलती हुई दिखाई दे रही है जो काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। इस रेखा का ऊपर की तरफ जाना, इसको प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, तो प्रोग्रेस लाइफ में काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आगे बढ़ते हुए चेक करते हैं इनकी लाइंस को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हार्ट की लाइन है लगभग काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, और यहाँ तक बृहस्पति माउंट तक पहुँचती हुई हार्ट की लाइन, और एक ब्रांच उसकी मंगल की रेखा, मंगल माउंट की तरफ चलती हुई, तो यहाँ पर आकर कुछ हद तक थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव हो जाता है मंगल का, क्योंकि एक तरह से मांगलिक दोष जैसी स्थिति बनती है हाथ में। ये जिस तरह से हम कुंडली में मांगलिक दोष चेक करते हैं, उसी तरह से हाथ में अगर ऐसी कोई हार्ट की लाइन, कोई ब्रांच मंगल तक पहुंचती हो तो कुछ अग्रेशन पैदा करती है, तो यहाँ पर अग्रेसिव रहने के चांसेस हैं इनके। लेकिन अगर देखा जाए तो हार्ट की लाइन की शेप काफ़ी अच्छी है, और ऊपर की तरफ उठती हुई हार्ट की लाइन बृहस्पति माउंट पर पहुँच रही है, तो बृहस्पति के सारे गुण इनके अंदर रहेंगे। जुपिटर से शुरू होने वाली हार्ट की लाइन की वजह से ये काफ़ी ऑनेस्ट एंड लॉयल फ्रेंड साबित होंगे, जिनके साथ भी इनकी मित्रता होगी उनके लिए ये काफ़ी अच्छे और लॉयल दोस्त साबित होंगे। आगे चेक कर रहे हैं यहाँ पर माइंड की लाइन को, माइंड की लाइन इनके बारे में क्या इंडिकेशन देती है इस चीज़ को देखते हैं, तो काफ़ी क्लियर और लंबी लाइन है माइंड की इनके हाथ में, लगभग हथेली के दूसरी तरफ पहुँचती हुई दिखाई दे रही है मुझे माइंड की लाइन, तो आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा, लगभग यहाँ तक पहुँचती हुई मुझे माइंड की लाइन दिखाई दे रही है, और कुछ समय तक यह हार्ट की लाइन लाइफ लाइन के साथ जुड़कर चल रही है, लेकिन लगभग ये 17 और 18 के आसपास की एज से ही इंडिपेंडेंट हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ से दोनों लाइंस अलग होकर चल रही हैं, तो 17-18 की एज से इंडिपेंडेंट होने के बाद काफ़ी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग है, यानी काफ़ी स्टेबल माइंड है इनका, और यहाँ पर जिस हिसाब से लंबाई में लाइन दिखाई दे रही है उस हिसाब से ये काफ़ी इंटेलिजेंट होने चाहिए, और स्टडीज़ में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होगा, क्योंकि माइंड की लाइन कुछ यही इंडिकेट कर रही है, और यहाँ से बिजनेस की लाइन भी काफ़ी अच्छी चलती हुई दिखाई दे रही है, तो मेरे हिसाब से इनको बिजनेस में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस लाइन का होना, लंबी लाइन का होना बहुत ही शुभ माना जाता है, और इतनी लंबी लाइन होने की वजह से व्यक्ति के अंदर बिजनेस एक्यूमन काफ़ी ज़्यादा होता है, और ऐसे व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं अगर बिजनेस में वह जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मर्करी लाइन और फेट की लाइन और माइंड की लाइन से मिलकर एक ट्रायंगल बन रहा है, बहुत ही क्लियर ट्रायंगल, जिसको हम मनी ट्रायंगल कहते हैं, तो यहाँ पर इनके हाथ में ऐसा मनी ट्रायंगल बनना एक बहुत ही अच्छा चिन्ह है, जिसकी वजह से पैसा ये काफ़ी अच्छा स्टोर कर सकते हैं, प्रोफेशन में अप एंड डाउन हो सकते हैं, लेकिन मनी इनके पास काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी स्टेबिलिटी रहेगी, काफ़ी अपना अच्छा खासा ये पैसा जमा करके अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेट की लाइन में एक बाहर से आकर लाइन जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, आपको दिखाना चाहूँगा, यह फेट की लाइन चल रही है और यहाँ से एक मून एरिया से आकर लाइन जुड़ रही है इसमें, तो यह शो करती है बाहरी सपोर्ट को, और कुछ हद तक इसको लव मैरिज की इंडिकेशन भी कहा जाता है, लेकिन सिर्फ 50% चांसेस ही होते हैं जिनके हाथ में इस तरह से लाइन जुड़कर चलती है फेट की लाइन से और वह लव मैरिज करवाते हैं, लेकिन अगर अरेंज मैरिज भी होती है तो भी बहुत सक्सेसफुल मैरिज का यह निशान है। यहाँ से हम सपोर्ट की बात करते हैं, बाहरी वर्ल्ड से सपोर्ट मिलती है ऐसे लोगों को जिनके हाथ में ऐसी लाइन जुड़ती है, और अपने इन लॉज और स्पाउस की तरफ से भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिलने के चांसेस रहते हैं, तो काफ़ी लकी चिन्ह है यह। इस तरह की लाइन का जुड़ना फेट की लाइन में एक तरह से डबल फेट लाइन का यह काम करती है, तो यह बहुत ही लकी और शुभ चिन्ह हम इसको मान सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं लाइफ की लाइन को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन शुरू में थोड़ी सी यहाँ पर वीक दिखाई दे रही है, लेकिन आगे चलकर काफ़ी स्ट्रांग होती हुई लगभग 17 और 18 के आसपास तक यह यहाँ तक जुड़कर चल रही है माइंड की लाइन से, जिसकी वजह से डिपेंडेंट रह सकते हैं, लेकिन आगे उसके बाद इंडिपेंडेंट 18 के आसपास की एज से ही इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी क्लियर लाइन, कोई भी मेजर स्ट्रेस मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ आकर थोड़ी सी लाइन वीक होती नज़र आ रही है, तो लगभग 75 से 80 की एज यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है काफ़ी क्लियर, और 70 के आसपास तक की एज तक कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में,
काफ़ी स्मूथ लाइफ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर हम ऑफ शूट्स की बात करें तो यहाँ से एक प्रोग्रेस का ऑफ शूट और दूसरा लगभग 30 के आसपास की एज में एक बड़ा ऑफ शूट दिखाई दे रहा है, जो किसी बड़ी उपलब्धि की तरफ इशारा करता है, जो सैटर्न की तरफ जा रहा ऑफ शूट है। तो लगभग इस एज में चलकर यह अपने कोई बड़ी डिज़ायर को पूरा कर सकते हैं, जैसे अपना कोई बड़ा घर खरीदना या बड़ी गाड़ी खरीदना या ऐसी कोई भी डिज़ायर जो होगी, लगभग 30 के आसपास की एज में यह कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। और जिस तरह से हमने देखा था कि इनकी फेट की लाइन को एक स्पोर्ट लाइन जुड़ रही है, और जिसकी वजह से यहाँ से भी आप नीचे से भी देख सकते हैं ऊपर की तरफ उठने वाली लाइन्स कुछ दिखाई दे रही हैं, तो ट्रैवलिंग के चांसेस भी रहेंगे, फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। लेकिन यहाँ पर फॉरेन सेटलमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही, तो फॉरेन से पैसा कमाने के चांसेस हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसा काम हो सकता है, या किसी भी तरह से विदेश से पैसा आने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं, या विदेश में ट्रैवलिंग के थ्रू या विदेश के साथ जुड़ा हुआ कोई काम करने से पैसा कमाने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी ब्राइट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनका माउंट है वीनस, यह भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, मुझे कोई भी नेगेटिविटी इसमें नहीं दिखाई दे रही, तो लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। यहाँ से हर तरह की लग्जरीज हमें वीनस की तरफ से मिलती हैं और ट्रैवल हमें मून की तरफ से मिलता है, तो दोनों ही माउंट मुझे काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो लाइफ में काफ़ी ट्रैवल भी रहने वाला है और लग्जरियस लाइफ यहाँ पर मैं इनकी देख सकता हूँ, तो काफ़ी अच्छी लाइफ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो लगभग सारे के सारे चिन्ह जो मुझे दिखाई दे रहे थे इनके हैंड में, उनको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी रहती है कि कोई ना कोई चिन्ह रह गया हो, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिखें, और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग रह गया हो तो मुझे इसी ईमेल पर रिवर्ट बैक करें जहाँ पर मैं इनको लिंक सेंड कर रहा हूँ इनकी वीडियो का, ताकि मैं दोबारा से इनके हैंड को चेक करके इनके क्वेश्चंस के जो रिप्लाइज़ हैं वो टाइमली मैनर पर इन्हें दे सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।